हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 यूनिट 12 हेल्थ इज वेल्थ एक्टिविटी 7। हियर आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू हेल्थ, कैटेगराइज देम इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दिए हैं जो हेल्थ रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है, इसे कैटेगराइज करना है। कैटेगरी कौन सी है टेबल में? टू से यू आर इल, ये बताना है कि आप बीमार हो। टू से यू आर फीलिंग ओके, यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन जिसे आप बता सकते हो कि आप फील बेटर हो, यानी कि आप अच्छा फील कर रहे हो। फील हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर लिखेंगे। हेल्थ एडवाइस, हेल्थ रिलेटेड कोई एडवाइस है, टिप्स है, सजेशन है, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर ट्रीटमेंट्स, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम कौन से ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम सारे एक्सप्रेशन देख लेंगे। आई एम इल, यानी कि मैं बीमार हूँ। आई हैव अ ब्रोकन स्प्रेन्ड ट्विस्टेड एंकल या फिर रिस्ट, मेरा हाथ या पैर है जो मुड़ गया है या फिर वहाँ पे चोट लगी है। रिलैक्स, आपको रिलैक्स रहना है। स्लीपरली, यानी कि डोंट स्टे अप लेट, यानी कि जल्दी से सो जाना। फिर ब्रश योर टीथ रेगुलरली, आपको हर रोज ब्रश करना चाहिए। आई हैव अ ब्रश कट ग्रेस बाउंड, यानी कि आपके हाथ पे कहीं पे कट लगा है या फिर कहीं से चोट लगी है वो बताना है। आई हैव अ हेडेक, स्टमक एक, आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, जैसे कि सिर दर्द है, पेट दर्द है, कान दर्द है, टूथ दर्द है, ठीक ऐसे। नेक्स्ट ही, आई फील ग्रेट वेल, यानी कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। आई एम शेटर्ड, यानी कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप बीमार हो तब। सी इज हेल्थ एंड हेल्दी, वो अच्छी है, वो फिट है। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई ड्रॉप, यानी कि जो ड्रॉप्स हम आई में डालते हैं जब आपको आई प्रॉब्लम है तब। सिरिंज, ईट हेल्दी फूड, यानी कि अच्छे से खाना चाहिए। और सिरिंज का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई बीमारी है तब। हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप, और आपको अच्छे से रूटीन वाइज मेडिकल चेकअप है वो करवाना चाहिए। आई हैव अ फ्लू, कोल्ड, रनी नोज, फीवर, हाई टेम्परेचर या फिर सोर थ्रोट, आपको कोई फीवर है, कोल्ड हो गया है या फिर रनी नोज है तो आपको बताना है, तब आप इनमें से किसी का यूज कर सकते हो, जैसे कि आई हैव अ फ्लू या फिर आई हैव अ कोल्ड। नेक्स्ट, गो ऑन अ डाइट, आपको डाइट फॉलो करना चाहिए। ड्रग्स, यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन, बैंडेज, बैंडेज जो हम कहीं पे चोट लगी है वहाँ पे लगाने के लिए यूज करते हैं। डोज, यानी कि ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का डोज। पेन किलर, वन टाइप ऑफ दवाई जब आपको दर्द हो रहा है उसे कम करने के लिए। पिल, यानी कि टेबलेट्स, वन टाइप ऑफ मेडिसिन। आई एम अलाइव एंड किकिंग, मैं ठीक हूँ, ऑपरेशन या फिर सर्जरी। फिर प्रिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन यानी सर्जरी है जब आप बीमार हो तब उसका यूज होता है। फिर प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वही आपको मेडिसिन फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आई फील गुड, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। आई है वो पेन इन माय बैक, टूथ या फिर हेड, मेरे बैक पे या फिर टूथ पे या फिर हेड पे कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है तब बताना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। आई फील सिक, आई एम फीलिंग नॉशियस, मैं बहुत ही बीमार हूँ और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। चेकअप, यानी कि आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मीन्स आप कौन सा डिसीज है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे डायग्नोसिस कहते हैं। फिर सिरप, वन टाइप ऑफ मेडिसिन है इन लिक्विड फॉर्म। फिर है टेबलेट, वन टाइप ऑफ मेडिसिन। अब ये जो सारे एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे डिवाइड कर कर लिखे हैं, चलो देखते हैं। टू से यू आर इल,
ये बताना है कि आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो। फर्स्ट आई एम इल, फिर सेकंड आई हैव अ ब्रोकन स्प्रेन, ट्विस्टेड एंकल या फिर रिस्ट, फिर नेक्स्ट आई हैव ब्रूस्ड कॉर्ड, गैस या पाउंड, नेक्स्ट आई हैव अ हेडेक, स्टमक एक, इरेक, टूथेक और बैकेक, फिर आई एम शटर्ड, नेक्स्ट आई हैव फ्लू, क्लोल्ड सॉरी कोल्ड, रनी नोज, फीवर, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट थ्रोट, नेक्स्ट है आई हैव अ पेन इन माई बैक, टूथ हेड, लास्ट आई फील सिक, आई एम फीलिंग नॉशियस। अब नेक्स्ट है टू से यू आर फीलिंग ओके। आपको ये बताना है कि आप अच्छे हो, आप ठीक हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। फर्स्ट आई फील ग्रेट, वेल फील वेल एंड हेल्दी, फील अलाइव एंड किकिंग, आई फील गुड। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन के इसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हेल्थ एडवाइस, यहाँ पे हेल्थ एडवाइस है जैसे कि रिलैक्स, स्लीप अर्ली इट मीन्स डोंट स्टे अप लेट, ब्रश योर टीथ रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी फूड, हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप, गो ऑन अ डाइट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, फर्स्ट है आई ड्रॉप्स, सिरिंज, ड्रॉग, मेडिसिन, बैंडेज, डोज ऑफ मेडिसिन, पेन किलर, पिल, ऑपरेशन या फिर सर्जरी, प्रिस्क्रिप्शन, चेकअप, डायग्नोसिस, सीरम और टेबलेट। सारे एक्सप्रेशन हैं वो हमने डिवाइड कर दिए हैं। थैंक यू।